अच्छा गौरांग सर, इन्होंने मतलब पुराने ट्रेडर हैं और पुराने इन्वेस्टर रादर, और करीब करीब 1.5 दशक के आसपास का समय इन्होंने बाजार में गुजार लिया है। तो HCC इनका पहला सवाल है, ये इसमें निवेश करना चाहती हैं, 21-30 के मौजूदा स्तरों पर है। रिसेंटली न्यूज फ्लोस काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, इसको भले IDBI का स्टेक सेल हुआ हो लेकिन डेट रीपेमेंट और पॉजिटिव आउटकम, ये सब चीज़ें तो आ ही रही हैं। इंजीनियरिंग मार्वल तो ये पहले ही बना चुके हैं, वो बात अलग है, डेट को लेकर कंसर्न्स में रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या करना चाहिए HCC में अदरवाइज? तो सुमित, ये स्वयं काफी अनुभवी हैं, खासा समय इन्होंने बाजार में बिताया है और अच्छा अनुभव भी है इनको। ऐसे अनुभव को लेकर के आपको सक्षम और मजबूत कंपनियों पर देखना चाहिए। HCC अगर आप इतिहास देखें पिछले सालों का, तो बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति, और जब ये अभी सुमित भी बता रहे थे डेट को लेकर के, ऑर्डर बुक को लेकर के, एग्जीक्यूशन को लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं मैडम। तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई अगर कोई और कंपनी में निवेश आप बना सकते हैं मन, या आप एक बदलाव या परिवर्तन के लिए आप तैयार हो, तो मेरी राय में KNR कंस्ट्रक्शन और PNC इंफ्रा, ये दोनों कंपनियां HCC के मुकाबले काफी अच्छी और मजबूत कंपनियां हैं। ऑर्डर बुक अच्छी है, बैलेंस शीट काफी साफ सुथरी है, और जो ऑर्डर बुक होती है उनकी एग्जीक्यूट करने की रन रेट भी इनकी काफी बेहतर है HCC के अगर आप तुलना करें। तो विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा HCC के ऊपर क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हमारी राय में KNR कंस्ट्रक्शन और PNC इंफ्रा ये दो बेहतर विकल्प होंगे। अनंत में एक बात बताएं, आपने जो